हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में कौन सा व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उसके पास कौन सी जानकारी नहीं होती है तो वो म्यूचुअल फंड को ही सिलेक्ट करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है क्या, ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ में काम किस तरीके से करता है और म्यूचुअल फंड में क्या हमें पैसों को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की साबित होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर सेट में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको करंट वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है 5,07,000 और आपको 694 रुपए जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। जो कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड नेम देख सकते हैं, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। इसी के साथ में इसकी जो NAV है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 358.36 पैसे, जो कि आपको यहाँ पर इस समय इसकी जो NAV की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्चुअली में होती क्या है, मैं सीधे सीधे आपको लैंग्वेज में बता दूं। जैसे कि कोई भी बैंक सही या फिर कोई भी कंपनी सही, जब भी वो अपना म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओपन करती है तो उसमें कुछ पैसों को ऐड करती है, जैसे कि 10,000 सही या फिर 1,00,000 सही या फिर 1,00,000 सही, ठीक है। तो उसके 10 रुपए के हिसाब से वो NAV बना दी जाती है। अब वो NAV यहाँ पर यानी कि वो यूनिट समझ सकते हैं, तो वो यूनिट एकदम सीमित रहती है। जैसे कि 100 यूनिट बनी, ठीक है, तो वो 100 यूनिट से 101 यूनिट नहीं हो सकती, वो 100 ही रहेंगे। उनकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, यानी कि जो NAV की वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी और इसी के साथ में घटती रहेगी, ठीक है। तो NAV की जो निर्भर करती है वो करती है कि आखिर इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि आखिर इसमें कितना पैसा ऐड हो रहा है, तो ये चीज को ऊपर यहाँ पर जो NAV है वो निर्भर करती है। इसी के साथ में आखिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सीधे सीधे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, उसका एक मैनेजर जरूर होता है, ठीक है, या फिर दो होते हैं। तो उस मैनेजर के हाथ में आप अपना सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कि आप इस पैसे को निवेश कीजिएगा। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा, वो वहां पर अपनी कमीशन काट लेगा 1% के हिसाब से, 90% के हिसाब से। तो इस तरीके से वो अपनी कमीशन काट लेगा और आपका पैसा है वो अलग अलग कंपनियों में निवेश कर देगा। कम से कम 10-20 कंपनियों में यहाँ पर जो पैसा है वो आपका निवेश किया जाएगा। ऐसे में अगर मान लेते हैं, अगर उसने 20 कंपनियों में यहाँ पर निवेश किया तो हालांकि उसने 5 कंपनियों ने लॉस कर दिया, तो 5 कंपनी उसे रिपेयर करेंगी, बाकी की बची 10 कंपनी तो वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके देंगी। तो इस तरीके से तो लमसम जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर पैसों को निवेश करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में कौन व्यक्ति यहाँ पर पैसे को निवेश करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। ये आपको समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं जो NAV है वो यहाँ पर बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइटों पर कुछ समय पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर 398.11 है और वहां 36 दिखा रहा था, ठीक है। तो जो NAV है वो लमसम यहाँ पर अभी डाउन होगी हल्की सी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाह रहे हैं तो ये इस समय मौका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसमें पैसे को निवेश करते हैं तो जैसे ही हो सकता है कल सस्ती हो जाए, और वो जैसे ही आपका वहां पर म्यूचुअल फंड में जो भी NAV है आप खरीदेंगे तो वो NAV सस्ती पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद में वो NAV बढ़ जाएंगी, हाई हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पर जल्दी ही फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा वो व्यक्ति यहाँ पर निवेश करता है जिस व्यक्ति को शेयर बाजार की जानकारी नहीं होती है, ठीक है, वरना वो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे क्यों देगा, जो उसकी कमीशन होती है वो यहाँ पर क्यों देगा। हालांकि उसकी कमीशन ज्यादा नहीं होती है, पर शेयर बाजार का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो उन कंपनियों के शेयर हैं उनकी जो प्राइस है वो नीचे ऊपर होते रहते हैं, और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसका सिर्फ यही काम होता है कि आखिर कहाँ पर किस कंपनी के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं, किस कंपनी के प्राइस घटने वाले हैं। तो उसे ये पता होता है कि आखिर मैं कौन सी कंपनी के प्राइस खरीदूं और कौन से के बेचूं।
तो उनका सिर्फ यही काम होता है। अब ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जानते हैं टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आप उनके शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो ऐसे में यह है कि आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि आखिर जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, किस तरीके से खरीदा जाएगा, और इसी के साथ में उसके जो प्राइस है वो कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे। अब ऐसे में हमें तो इस चीज की जानकारी नहीं है कि आखिर कब घटेंगे कब बढ़ेंगे, ठीक है, पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, तो समझ जाइएगा अगर वो यहाँ पर धोखा खा सकते हैं आप यहाँ पर नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप वहां पर वे लोग 10,000-20,000 से करते हैं, उनका तो करोड़ों से चलता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और लगता है उन्हें कि हाँ अब लॉस होने वाला है, जो कंपनी के शेयर हैं वो गिरने वाले हैं, तभी वो लोग पैसा निकाल लेते हैं वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस चीज पर नजर रखते हैं, ठीक है, पर हम लोग नजर नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम म्यूचुअल फंड में पैसे को दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में पैसा वही व्यक्ति यहाँ पर निवेश करता है जो कि रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहता है, ठीक है, यानी कि डर रहता है व्यक्ति को कि आखिर मेरा पैसा डूब ना जाए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में है वो पैसा डूबने के ना के चांस बराबर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूब सकता है। अब वो किस कंडीशन में डूब सकता है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में पैसा तब डूब सकता है जब शेयर बाजार क्रॉस हो जाए, क्रॉस का मतलब यानी कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया की कंपनी है और वो इंडिया में ही चल रही है, ठीक है, तो ऐसे में यह है कि वो कंपनी ठप हो जाती है, ठीक है, यानी कि लॉकडाउन लग जाता है, तो आप जानते हैं कि सारे जगह के आने जाने बंद हो जाएंगे और जो भी कारखाने हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो शेयर बाजार है वो एकदम डाउन हो जाएगा, तो ऐसे में यह है कि किसी भी कंपनी के सही और हर जगह यानी कि सस्ता हो जाएगा, यानी कि और जो आपके प्राइस हैं वो गिर जाएंगे, यानी कि शेयर बाजार के, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, जैसे कि COVID-19 लगी थी तब इस तरीके का हुआ था, ना तो कोई एक व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जा सकता था, ना दूसरी जगह से एक व्यक्ति आ सकता था, क्योंकि उस समय डर था, तो ऐसे चांस में ये लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, वरना मैं आपको यहाँ पर दिखाता, अभी शायद ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें जो म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसे को निवेश करते हैं तो उसके जो प्राइस है, जो आपकी एनएवी है, वो डाउन भी होती हैं और महंगी भी होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपके पैसे इसमें घट रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में यही लगता है, ठीक है, मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने इसमें 3.5 लाख रुपए इसमें निवेश किया था और 1 साल यहाँ पर हो चुकी है, जो कि आपने यहाँ पर मेरी अमाउंट थी वो तो आपने यहाँ पर देख ही ली कि आखिर यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे में जब भी हम पैसे को अपने बैंक खाते में लेंगे तब यहाँ पर विड्रॉल फीस लगती है, ठीक है, यानी कि 500 रुपए लगते हैं 5 लाख पर समथिंग, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो टैक्स होता है वो कटता है, ठीक है, टैक्स इस तरीके से कटता है, यानी कि गवर्नमेंट है वो 1 लाख की तो यहाँ पर छूट देती है, ठीक है, यानी कि हमने 3.5 लाख रुपए इसमें जमा किए, अब वो 3.5 लाख रुपए हम यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके बाद में बचा यहाँ पर लमसम 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब 1.5 लाख पर 1 लाख पर यानी कि सरकार छूट दे रही है, तो वो भी हम निकाल लेंगे, बचा कितना हमारा 50,000, तो 50% पर यानी कि 50,000 पर अगर 10% के हिसाब से लग रहा है टैक्स, तो यहाँ पर आ जाता है 5,000 रुपए, ठीक है, तो 5,000 रुपए का हम पे टैक्स लगेगा और बाकी की अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी 2 से 3 दिन में ही, ठीक है। तो ये भी आपकी क्लियर हो गई, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा व्यक्ति यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अगर आपके मन में और भी कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।